के जासूस थे जो मेरे साथ लगे रहे और आज हश्र में मेरा राज खोल रहे हैं। मेरे प्यारे ये होगा हश्र में, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे प्यारे। सोचो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे खिलाफ है, कोई सामने हाल नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे प्यारे उस मैदान हश्र में, उस हश्र के मैदान में जब कोई ना होगा, तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ, तो बस एक ही होगा, वो एक ही होगा जो अपनी चादर रहमत को फैलाए हुए ये आवाज दे रहा होगा, ऐ गुनहगारो, ऐ इसियां शियारो, मत घबराओ। अगर तुमने दुनिया में मुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को बरकरार रखा है, जोड़े रखा है, तो आ जाओ, मेरी चादर रहमत तुम्हें पनाह देने को तैयार है, तुम्हें बख्शवाने को तैयार है, तुम्हें छुपाने। बोलो मेरे प्यारे, असल नेमत कौन? असल नेमत तो बस वही है कि जब कुछ काम ना आए, कोई काम ना आए, वही एक काम आए, वही असल नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है मेरे प्यारे। खुदा की कसम, मोमिनों के लिए तो अजीम नेमत है ही नहीं। इसलिए अहले मोहब्बत गुलामाने मुस्तफा, ए वफादाराने मुस्तफा, खुदा की कसम अपनी किस्मत पे ये दिल नाज करो कम कम, कि तुम वो इंसान हो जो नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हो। ये बहुत बड़ी नेमत मिली है, इसलिए जिस नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हो ना, तुम जितना चाहते हो नबी, खुदा की कसम उससे कहीं ज्यादा नबी तुम्हें चाहते हो। कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना, जितना हमारे हम सबसे आका हम गुनहगार उम्मतियों से प्यार करते हैं। यकीन जानो, तारीखें घड़ी पड़ी हैं, रवायतें मौजूद हैं, उठाकर देख लो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब तन्हाइयों में रब के हुजूर हाजिर हुए, खुदा की कसम अल्लाह के प्यारे हबीब के ज़बान पर सिर्फ एक ही सदा रही है, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। रो रो कर हम उम्मतियों के लिए रब की बारगाह में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरियाद करते हुए नजर आए, गुजारिशात करते हुए नजर आए, रब की बारगाह में दुआ करते हुए नजर आए, हमारी मगफरत के लिए, जहन्नम से निजात के लिए, अजाब से बचने के लिए। प्यारे आका जब भी तन्हाइयों में रब के हुजूर हाजिर होते, तो कोई और दुआ आपके लब पर ना होती, सब सिर्फ और सिर्फ हम गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआ करते रहते। कितना चाहते हैं हमारे आका, खुदा की कसम बार 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 जब अल्लाह ने, मैं दिखा रहा हूँ मेरे प्यारे, याद कर लो खुदा की कसम हम कैसे शफीक नबी की उम्मती हैं। अल्लाह ने हमारे नसीब में कैसा नबी रखा है जो अपनी उम्मत से इस कदर प्यार करता है। प्यारे, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मोहब्बत आपके करीब लाना चाहता हूँ कि हमारे आका हमसे कितना प्यार करते हैं। जब जब प्यारे आका बार बार जब भी तन्हाइयों में रब के हुजूर हाजिर हुए, तो सिर्फ सिर्फ रो रो कर हम गुनहगार उम्मतियों के लिए फरियाद करते हुए नजर आए। जब रब ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बार 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 आ आकर अपनी उम्मतियों के लिए रो रो कर फरियाद करते बार 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 देखा, तो जिब्रील भी बुलाया, है जिब्रील यहाँ, ये मेरा महबूब अपनी उम्मतियों से बहुत प्यार करता है, जब मेरी बारगाह में हाजिर होता है रो रो कर फरियाद करता है, अब जिब्रील जाओ, अब बहुत हो गया, जिब्रील जाओ, मेरे महबूब को ये कह दो, ऐ महबूब वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब, ऐ महबूब तुम्हारा रब तुम्हें अंत करीब इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम खुश हो जाओ। ऐ महबूब
अब रोने की जरूरत नहीं है, फरियाद करने की जरूरत नहीं है। बार बार रो रो कर अपने गुनहगार उम्मत की फरियाद करते हो तो ऐ महबूब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओ। जिब्रील आए आका की बारगाह में तशरीफ लाए, आका वही लाया है। जिब्रील अर्ज करो क्या वही लाए हो? वला सवा योती का तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। नबी ने सुना, चेहरे पे बशाशत के आसार नुमाया हुआ सहाबा की मुकद्दस जमात परवानों की मान नबी के इर्द गिर्द बैठी थी। नबी ने सहाबा को मुखातिब किया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने वही भेजी है, आका क्या भेजी है? वाला सौफा युरती का रबों का फतरदा। नबी ने फरमाया, अनकरी मेरा रब मुझे इतना देगा कि मैं राजी हो जाऊंगा, ये रब का वादा। लेकिन सुनो मेरे सहाबा खुदा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि अपनी सारी उम्मत को बख्शवा नहीं लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत हुजूर कायदे मिल्लत, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, रब का वादा है कि वो मुझे अनकरीब इतना अता करेगा, इतना देगा कि मैं खुश हो जाऊंगा। और मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि अपनी सारी उम्मत को बख्शवा नहीं लूं। कितना प्यार करते हैं हमारे यहीं से जरा उठाओ अपने किबत को, जरा सोचो अब हशर क्या होगा। एक वादा खुदा का, अपने महबूब से इतना दूंगा कि तुम खुश हो। और एक वादा महबूब का अपनी उम्मत से, जो उस वक्त तक खुश नहीं होगा जब तक कि सारी उम्मत को बख्शवा नहीं। अब इन दो वादों को लो, आओ हशर के मैदान। और यहां पे वजाहत कर दो, देने की बात दोनों जगह हो रही है। और देना दो किस्म का होता है, क्या होता है? दो तरह का, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। ये सलीम साहब बैठे हुए हैं, ज्यादा नशीन है हुजूर, हम शबीए मौसुसकलैन आला हजरत शफी मियां आला रहमत रूहानियत के अमीन, जिन्हें बनाया गया इस शहर उसके अतराफ अपनाफ के लिए, उनके ये जानशीन हैं। अब इनसे मैं कहूँ कि आपने माशाल्लाह उसकी तकरीब में जलसे का बड़ा अच्छा इनकात किया, जाहिर इसमें खर्च भी हुए होंगे, शिरकतें भी की होंगी। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं चाहता हूं कि मैं भी इसमें 5,000 रुपए से भुने हैं और इस जलसे में शिरकत करूं। वैसे आप हकीकत समझ लेंगे तो कोई बात नहीं, आप हकीकत भी समझ लेंगे तो कोई बात नहीं। मैं 5,000 दूंगा, एक देना ही नहीं। अब ये आए किशोर झा, हमने कहा ये कभी नहीं मिलेगा। कहा जरा आप मुझसे शर्जी में वादा किया था 5,000, लाइए दीजिए। मैं जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वादे की तकमील की, हमारे लिए इस बात का कदर है, क्योंकि जो वादा किया जाए उसे जल्द से जल्द किया वादा होता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप आ गए, आप ये ले लीजिए, मैं अपने मैनेजर को दिलाऊंगा ये 5,000 बुला के देगा। अब तरीका क्या? लीजिए इसे पकड़िए। अब ये गिनेंगे, जब ये नोट गिनेंगे तो इनकी नजर कहां होगी? इसमें कष्ट से काम कर नहीं लेंगे नोट में। अच्छा, जब ये गिन रहे होंगे तो मेरी नजर कहां होगी? मेरी भी नोट पे होगी। नोट गिनने
50 रुपए की ये 100 नोट कम हो गया। अब एक दूसरा सवाल, आप आइएगा इंशाल्लाह, मैं इतना दूंगा इतना दूंगा कि आप खुश हो। अब ये आए मेरे पास, चलिए खुश कीजिए, मैं आ गया। तो अब मैं अपने मैनेजर से क्या कहूंगा, 5,000 ला लो। अब मैं जितना है सब ले आओ, पता नहीं कितने में खुश हो जाएंगे। अब देने का अंदाज क्या होगा, एक बंडल उठाऊंगा लीजिए खुश हो। नहीं लीजिए खुश हुए आप। अब मेरी नजर कहाँ होगी, इनके चेहरे पर क्या दे रहा हूँ उसे बहस नहीं, इनसे देखता जा रहा हूँ। खुश हुए नहीं, नहीं लीजिए खुश हुए नहीं, नहीं लीजिए खुश हुए नहीं लीजिए। बिला तमसील समझो, अय गुलामाने मुस्तफा, अय आशिकाने मुस्तफा, हश्र में क्या होगा। खुदा ने फरमाया अपने महबूब से, इतना दूंगा इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। महबूब का वादा, उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक के उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। अय गुलामाने मुस्तफा, हश्र में क्या होगा, एक खुदा होगा, एक मुस्तफा होंगे, सामने गुनहगार उम्मत होगी, आका हम गुनहगार उम्मत के हाथों को पकड़ेंगे, पेशे खुदा करेंगे। जाने दो महबूब खुश हुए नहीं, जाने दो महबूब खुश हुए नहीं, जाने दो महबूब खुश हुए नहीं, महबूब खुश हुए नहीं, जाने दो महबूब खुश हुए नहीं, जाने दो। खुदा ये नहीं देखेगा कौन जा रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि मेरा महबूब खुश हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, गोला देखो से आजम। कितना प्यार करते हैं हमारे आका, कौन प्यार करेगा जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। अब मेरे प्यारे, अब रुक कर यही सोचो, जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं खुदा की कसम से, कि कोई क्या माँ प्यार करेगी अपने बेटे से, कोई बाप क्या प्यार करेगा इतना अपने बेटे से, इतना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। तो जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं, उन आका का हम पर कुछ कुछ है कि नहीं, हक है, हक है, हक अदा किया गया। मेरे प्यारे, सजदे करके आका अपनी आंखों को ठंडक कब से पहुंचाना शुरू करोगे, बोलो ना मेरे प्यारे। हक मानते हो तो हक अदा कब करोगे। आजकल बुजुर्गों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, एक सहाबी हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए, उनका एक छोटा बच्चा था, दिन भर तलाश किया नहीं मिला, थक हार कर बारगाह में नबूवत में आ गया। या रसूलल्लाह, मेरा छोटा बच्चा था, दिन भर से उसे तलाश कर रहा हूँ, वो मिलता नहीं, गायब हो गया, बहुत परेशान हूँ। अभी उनकी जबान से ये कलमात निकले ही थे नबी की बारगाह में, एक दूसरे सहाबी दाखिल होते हैं बारगाह में नबूवत में, सलाम पेश करते हैं। जैसे उन सहाबी पर नजर पड़ती है जिनका बच्चा गायब हुआ था, देखते ही साथ उनसे कहते, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे बच्चे को फला वादी में चंद बच्चों के साथ खेलते देखा। बारगाह नबूवत में अर्ज पेश की, यही तो आका के हमारे देखे शान महबूबियत है। जबान से अल्फाज निकलने से पहले ही महबूबियत का जामा पहन लेते थे। उसने अर्ज की, बच्चे का पता मिला। अब जब बच्चे की मिलने की खबर उस बाप ने सुनी, आप भी सोच सकते हैं किसी का बच्चा, अल्लाह करे अल्लाह से की हिफाजत करे, अगर खुदा ना खास्ता जाए हो जाए और उसको मिलने की खबर मिले तो कैसा बेचैन होगा, इस तरह आ जाएगा,
मोहब्बत की शिद्दत मन पड़ेगी, जल्दी से बच्चे को देख लेने की शिद्दत उसमें पैदा हो जाएगी। तो आप सहाबी में भी हुआ, जैसे खबर मिली बच्चे की आपने बारगाह नबूवत में ज्यादा तलब की, सलाम पेश किया, तेज कदमों से तकरीबन दौड़ते हुए उस वादी की तरफ जाने लगे। नबी ने उनको इस शिद्दत मोहब्बत इस तसाब के साथ इस बेचैनी के साथ भागते हुए जज्बात के साथ जाते हुए देखा, आवाज रुको यहाँ या सुल्ला क्या बात है, अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने जज्बात पर काबू रखो, ये इस्तराब ये बेचैनी ये शिद्दत इस पर कंट्रोल रखो। या रसूलल्लाह ये तो इंसानी फितरत है, बच्चा दिन भर से गायब था, मायूस हो गया था, अब मिलने की खबर आई है, शफकत पेदरी में जोश है, जज्बा है, मोहब्बत है, ये तो फितरत है, ये तो इंसानी फितरत है, आप इससे रोक रहे हैं। हां मैं रोक रहा हूं, इसलिए तुमने सुना नहीं ने ये खबर दिया कि चंद बच्चों के साथ तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, ये नहीं सुना तुमने? तुम इस जज्बाती अंदाज में शिद्दत मोहब्बत के साथ इस्तराब के साथ बेचैनी के साथ जा रहे हो, और जाहिर है कि जाओगे वहां बच्चा देखोगे तो फौरन गोद में उठाओगे, चिपटाओगे, लिपटाओगे, उसके रुखसार का बोसा दोगे, पेशानी को चूमोगे, कहां या रसूलल्लाह ये सब तो मोहब्बत में तो होता ही करेंगे। कहा नहीं, रोको अपने आप को, इसलिए कि तुम्हारा बच्चा चंद बच्चों के साथ खेल रहा है, हो सकता है कि उसमें कोई यतीम बच्चा भी हो। तुम जब अपने मोहब्बत पर बच्चे से प्यार कर रहे होगे तो हो सकता है कोई यतीम बच्चा हो, उसे अपना बाप याद आ जाए, उसका दिल टूट जाए। हमारा काम दिलों का तोड़ना नहीं है, कौम मुस्लिम दिलों को जोड़ती है, हमारा काम स्टोन थ्रोइंग नहीं है, हमारा काम रास्तों से पत्थर हटाकर सवाब हासिल करना है, नफरत नहीं है, हमारा काम मोहब्बत काटना है। अपनों से भी मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से भी मोहब्बत करते हैं। आज हम किस राह पे चलते हैं, किस राह पे आ गए हैं, हम दूसरों से अखलाक और मोहब्बत का क्या मुलाहजा कर रहे हैं, हमने तो मोहब्बत के मामला अपनों में भी छोड़ दिए। एक छत के नीचे रहने वाले चार भाई, एक माँ एक बाप के बेटे, ये हमारी समाज आई समाजी स्टेटस है, चारों भाई एक दूसरे को एतमाद मानते हैं, एक घर में इत्तेहाद मानते हैं, पूरी कौम में अपना से इत्तेहाद करते हैं। याद रखो मेरे प्यारे, अगर ये मोहब्बतें तुमने अपने दिलों से निकाल दी और अपने दिलों को तुमने नफरतों की आमाजगा बना ली, याद रखो तारीख में तुम्हारा नाम निशान जिनको बचाना था वो इस्लाम बचा गया। जिस इस्लाम के शजर को हुसैन ने अपने खून से अहले बैत ने अपने खून से सींचा हुआ, उस इस्लाम का शजर कभी नहीं मिटा सकता। इस्लाम खतरे में नहीं है, ना था ना है ना होगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम खतरे में, हमारी नस्लें खतरे में। मेरे प्यारे लौटो अपने असल की तरफ, लौटो, हमारा तुम्हारा हम सब सर रब यही से कहता है कि किस चीज ने रोका है तुम्हें मेरी तरफ आने से, ये रब फरमा रहा है। तुमने दुनिया की तरफ देख कर लिया, अल्लाह ने कहा था लखत खाना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम अपनी जिंदगी के लिए सारा प्रोग्राम निजाम हयात अगर देखना चाहते हो तो अपने रसूल की जिंदगी में तलाश करो, तुम्हारे लिए तो आइडियल तुम्हारे नबी को बनाया गया था,
तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूने अमल तुम्हारे नबी को रब ने बनाया था। आज हमारा नौजवान ब्रासलेट पहनता है, कान में कुंडल पहनता है, कुंडल पहनता है, नबी को अपना आइडिया नहीं बना रहा, फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को बना रहा। फिर दावा यह है कि हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, बिलीवर्स हैं, मानने वाले हैं। मेरे प्यारे, इस रस्मी और इस्मी मुसलमान से काम नहीं चलेगा। हकीकी मुसलमान बनो, लौट आओ अपने असली की तरफ। और कितना नीचे जाएंगे हम, बोलो ना मेरे प्यारे, कितना नीचे जाओगे। पहले जमाना हमारी इज्जत भी करता था और हर जालिम हमसे खौफ दिखाता था। एक मुसलमान तन्हा अगर हजारों की झुरमुट में है, जालिमों की झुरमुट में है, तो एक मुसलमान को हजार जालिम भी कभी खायफ न कर सके। सारी दुनिया ने हमारी दर्द से इंसानियत के साथ, हमारी मानवता के साथ, हमारी मोहब्बतों के साथ, हमने ये दुनिया को तहजीब दिया है, जीने का शऊर दिया है, सलीका जिंदगी दिया है, जो रिश्तों का पास उसकी कदरें, उसका तरीका, उसका नतीजा बताया है। इस बुनियाद में दुनिया ने हमें हमेशा इस तरीके की। आज हमारा हाल ये है, जमाने की बात को छोड़ो, हमें हमारे घर का पर्दा डरा रहा है। अगर घर में आप अकेले हैं तो नहीं, खिड़की दरवाजा सब बंद, पंखा भी बंद, और दरवाजे पे पड़ा हुआ पर्दा सिर्फ इसलिए कि तुमने उससे डरना छोड़ दिया। जब तुमने अपने रब से डरना छोड़ दिया तो आज तुम्हें घर के पर्दे से भी डर लगने लगा। मेरे प्यारे, खशियत इलाही को अपने सीनों में रखो, आखिरत को याद करो, लौट आओ अपने आप, लौटोगे फिर जमाना तुम्हारा। दुनिया का दस्तूर ये रहा है कि दुनिया ने जब किसी को कुछ दिया है तब लेने वाले ने उसकी इज्जत की। तुम्हारी भी तारीख ही है, जब तुम दुनिया को दे रहे थे तो दुनिया ने तुम्हें सर पर उठाया था, अब जब तुम भी देने वाले की भीड़ में शामिल हो गए तो दुनिया ने तुम्हें लहलहा को कर दिया, किनारे डाल दिया। कभी देने वालों में झगड़ा होते हुए देखा है? मिलाद की शीरनी बांटने वाले आपस में लड़ते हैं, लड़ता कौन है? लेने वाले लड़ गए। बांटने वाला तो नहीं करता, लेने लेने वाला हमेशा नीचे। मैं यहां इसलिए बैठा हूं कि आपको दे रहा हूं, आप नीचे इसलिए बैठे हो कि आप ले रहे हो, और मुझसे ऊपर ये हैलोजन है, ये मुझसे ऊपर इसलिए है कि ये रोशनी दे रहा है, ये उजाला किए हुआ। लेकिन इंसाफ से बोलो, अगर ये फ्यूज हो जाए तो यहां लटका रहेगा क्या? ये कहां होगा? ये किसी नाली में होगा। जब तक हम दुनिया को दे रहे थे, दुनिया ने हमें अपने सरों पर रखा और हमारे कदमों में बैठी है। जब से दुनिया ने हमने देना छोड़ दिया, दुनिया ने हमें किनारे लगा लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मोहल्ले में भी एक मौजूदगी डिग्रियों का रोल लेके बेचारा रोज सुबह निकलता है घर से, तीन दिन का सोच करते हैं, दस का सोच करते हैं, एक कदम कर दिया, भागा भागा कई महीनों से उसकी ये रूटीन मिली उसको, हजरत के पास दुआ कर दिए थी। एक मोइनुद्दीन ये आपके मोहल्ले के, जो एक अलग नौकरी के लिए भागा भागा था, और एक मोइनुद्दीन अजमेर में, एक मोइनुद्दीन अजमेर में सुल्तान-ए-वक्त भी अपने ताज को जिसकी चौखट पे रखता हो,
आखिर इस मोइनुद्दीन में उस मोइनुद्दीन में फर्क क्या है? नुमाया फर्क यह है कि वो मोइनुद्दीन देने वाला है, ये मोइनुद्दीन लेने वाला। मेरे प्यारे, देने की शुरुआत इस लायक बनाओ, तुम्हारे अखलाक को देख के दुनिया सीखे कि अखलाक इसे कहते हैं, तुम्हारी मोहब्बतों को देख कर दुनिया जाने की मोहब्बत इसे कहते हैं, तुम्हारे किरदार को देख कर दुनिया समझे कि ये है असल किरदार, तुम्हारी जिंदगी को देख कर दुनिया ये माने कि असल जिंदगी ये है। दो दुनिया को जब तक तुम देने वाले थे, इसी दुनिया ने तुमको गरीब नवाज आए संजय से कौन सा रिश्तेदार का यहाँ पे अजनबी मुल्क अजनबी लोग भाषा अलग लिबास अलग खान पान अलग सब अलग लेकिन वही नमाज आए भूल जाए बिछाया जनेज में करते देखा तो लोगों ने ये सांस के फूल में समझ नहीं है खान पान अलग है देश भाषा अलग है जबान भाषा अलग है ये कुछ अलग अलग है लेकिन अलग तो है लेकिन नजर डालो तो नजर हटती ही नहीं है। कैसा मोहन है जिससे दृष्टि ही नहीं हटती, नजर डालो तो नजर छपकने को जी नहीं चाहता, देखते हो तो देखते रहो, आंखों के रास्ते जब जब देखो दिल में उतरता चला जाता है। कैसा मन मोहन है जानते नहीं है लेकिन मन मोहन मान बैठ बैठे। महाराज अब आप नीचे नहीं बैठेंगे, आपका हम आसन लगाते हैं, आप ऊपर बैठे, हम आपके चरणों में बैठे, इसलिए कि जब हम आपको देखते हैं तो मन को शांत मिलता है, आत्मा पवित्र हो जाता है, मन मोह लिया है आप आंखों के रास्ते से हमारे दिल को उतर गए, आपको न देखो तो हृदय को चैन नहीं आता, मन असंतुष्ट हो जाता है, देखो तो बार बार देखने को आप जी चाहता है। आप ऊपर बैठे हम नीचे बैठे, आप देने वाले हम लेने वाले, लेने वाला नीचे होता देने वाला ऊपर होता। एक अजनबी इस मुल्क में देना शुरू किया, ऊंचाई आसन की बढ़ती चली गई, लेने वालों की भीड़ लगती चली गई, देने वाले की सखावत बढ़ती चली गई, लेने वाले आते गए, ले के जाते गए, सखी की सखावत भी बढ़ती गई, कमी खजाने में कुछ नहीं आ रही है। लोगों ने पहले एक फिट ऊंचा आसन, फिर चार फिट का बनाया, फिर छह फिट का बनाया, कहा महाराज अब ये पूरा भारत आपका। जो राजा है कुछ न कुछ हमसे लेता है तब देता है, आप हमसे बगैर कुछ लिए दे रहे हैं तो भारत के राजा आप हैं महाराजा। आप यही हमारी तारीख है मेरे भाई, हमने हमेशा दुनिया के लिए आप सुधारो अपने किरदार, तुम दूसरों की तरह जिंदगी जीने के लिए इसलिए जमीन पर नहीं रहते, दूसरों से गुजरने के बाद कहां जाएंगे, ये इस्लामी है जो सबका पता बताता है, हमारे पास तो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट निजामे हयात है अंजाम तक, इनके पास नहीं उनकी मृत्यु है तो मेरे प्यारे हमारे पास तो इतनी सारी बातें हैं, कितनी कैसी लग रहा है हमारे नौजवान वो इश्क़े नबी का नशा है, बुजुर्गों की मोहब्बत उसका जो सुरूर है उससे जो कैफियत पैदा होती है, उसमें जो सुरूर है उसमें जो मस्ती है, नबी से इश्क में
वली के इश्क में। ये टैबलेट दे देंगे, एक बार इन औलिया से इश्क करके तो देखो, ये दुनिया तुम्हें तबाह करने को लगी है, तुम्हारे फिजिकल में तुम्हारी जो है दिमाग बिल्कुल एक तरह से बर्बाद कर दिया, फिजिकली भी तुम बर्बाद हो जाओगे, मेंटली भी तुम बर्बाद हो जाओगे और आखिरी तौर पर भी तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए भी हराम चीज में, हराम चीजों के इस्तेमाल करने से कोई भलाई नहीं होने वाली, उसके नतीजे भी दुनिया से लेके आखिरत तक सब बुरे ही आने वाले हैं। मेरे प्यारे मेरे नौजवानों, अगर तुमको नशा ही करना है, नशा ही करना है, तो जाओ ख्वाजा की चौकट पर, उनके इश्क का नशा मांगो, जाओ मखदूम सिमनाने की चौकट पर, उनकी मोहब्बतों का नशा मांगो, वो मोहब्बतें दे देंगे ना, ये दुनिया का रंग तुम्हें फीका लगने लगेगा। ऐसा कैफ है, ऐसा सुरूर है, तो मोमिन हो अपने इरादों में मजबूती पैदा करो, बचाओ अपने किरदार और अमल में हुस्न पैदा करो और दुनिया को दिखाओ कि मुसलमान अखलाक के मैदान, मुसलमान मोहब्बत के मैदान, मुसलमान किरदार के मैदान, मुसलमान उखुवत और भाईचारगी के मैदान में दुनिया से सबसे अलग कौन है, उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं, उसके किरदार की कोई मिसाल नहीं, उसके अखलाक की यही तारीख है तुम्हारी। मैं कुछ नया कहने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं कि जहां थे वहां लौट आओ, ये तारीख थी आप, यही तारीख उस तरफ लौटने की बात, अपने असल की तरफ लौटो, अपने आप को सच्चा पक्का सही बामल बाकिदार मुसलमान बनाओ। मेरे प्यारे, कमी आज भी कुछ नहीं है, न प्यारे आका के रब के फजल में कुछ कमी है, न प्यारे आका की शफ़क़तों में कुछ कमी है, न गरीब नवाज की अता में कुछ कमी है, न मखदूम सिमना के फैजान में कुछ कमी है, न महबूब इलाही की अता में कुछ कमी है, उधर से कोई कमी नहीं है, तुम ये दिल की जो जमीन है ना, ये इसे तुमने बुराइयों से बंजर बना दिया, अब ये जमीन काश्त के लायक नहीं है, इसे साफ कर दो, साफ करके दो, हसद की निजासत से साफ कर दो, निफाक की निजासत से साफ कर दो, बुग्ज की निजासत से साफ कर दो, लालच की निजासत से साफ कर दो, निफाक की निजासत से साफ कर दो, बेअमली बदकिरदारी के नजासत साफ करो, ये सारी नजासतें तुमने भर ली हैं, इसलिए तुम्हारी भी दिल की जमीन जो बंजर हो गई है, बंजर उस जमीन को कहते हैं जिसमें कुछ पैदा नहीं है। एक बार मेरे प्यारे से साफ साफ करो, फिर रहमत की बूंदें डालने वालों की कमी थोड़ी है, कभी बगदाद से आ जाएगी, कभी अजमेर से आ जाएगी, कभी मखदूम सिमना की चौखट से आ जाएगी, तुम्हारी दीप दुनिया सैराब करने के लिए और तुम्हें आबाद करने के लिए, ये रहमत की बूंदें डालने वालों की कमी नहीं है, लेकिन डाला जाए किस जमीन पर जो जमीन बंजर है, वो जमीन को तो सही सही बनेगा, निकाल फेंको इन नजासतों को अपने सीने से और अपने दिल की जमीन को इश्क मुस्तफा से सजाएगा, औलिया की मोहब्बतों से आबाद करो, फिर देखो कैसे कैसे रहमत की बूंदें तुम्हारे दिल की जमीन पर पड़ती हैं और तुम्हारी दिल की दुनिया किस तरह से आबाद होती है, लहलहा उठेगी, मेरे प्यारे यकीन की दौलत मिल जाएगी, मोहब्बत की दौलत मिल जाएगी, किरदार का हुस्न मिल जाएगा, अमल और अखलाक की दौलत भी तुम्हें मिल जाएगी, दिल को साफ करो निफाक से, हसद से, जलन से, या हसन या हुसैन का नारा लगाते हुए हकदार बन के रवाना हो, आप अहले मोहब्बत में शुमार कर लीजिए, ये तो दुनिया वाले समझेंगे कि तुम मोहब्बत करो, क्या उस हकीकी दुनिया वाले को तुम मान लेंगे कि मोहब्बत करने वाले हो, पूरी जिम्मेदारी इसका ऐसा होता है, नो नो, वहां जबान की आवाज नहीं सुनी जाती है, वहां दिल की हालत देखी जाती है, जो मोहब्बतों को रिकॉग्नाइज करते हैं, सर्टिफाइड करेंगे, तस्दीक करेंगे, हाँ ये मोहब्बत करने वाला है, वो दुनियादार नहीं है, रूहानियत के पायदार है,
वो रिकॉग्नाइज करेंगे जो तुम्हारी मोहब्बत कामयाब है, और वो तुम्हारी जबान के पावर आवाज की ताकत को नहीं देखते, उसके वाट को नहीं देखेंगे, वो तुम्हारे दिल की हालत देखेंगे। या हुसैन या हसन नारा लगाओ, यही तुम्हारा हक है, तुम्हारा ही हक है ये नारा लगाओ, लेकिन उसके हकदार बातें फिर वो क्या मजा होगा, हुसैनी होगा हसनैनी होगा, तो किरदार कौन बनेगा, उनके किरदार को कौन अपनाएगा, तुम नारा लगाओ तो किरदार को दूसरा अपनाएगा, हसनैनी खुद हो तो तुम्हें उनके किरदार को अपनाना पड़ेगा, सिर्फ नारा लगाओ तो किरदार को दूसरा अदा करेगा, अगर हसनैनी हो तो किरदार अपनाओ। हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे कम सिन हैं, बचपन में दोनों में किसी बात पे कोई झगड़ा हो रहा है, बोल चाल बोल रहे, तीसरा दिन था, हजरत इमाम हुसैन ने कहा भाई जान आज तीसरा दिन है, ये तो मुसलमानों में बोल चाल जान होता है, तीन दिन के अंदर जो पहले बोलेगा वो पहले कभी कभी इमाम हसन ने हजरत इमाम हसन से कहा भाई जान तीसरा दिन है आप बोलना शुरू कर, मुझसे बोली बोली मैं बड़ा हो तो मैं ये बोल दूं, जब तुम छोटे हो तो तुम पहले बोलो, बचपन की बात है, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो तुम पहले बोलो, हजरत इमाम हसन ने कहा नहीं भाई जान बात ये नहीं है, बात ये है कि मैंने नाम जान का करते हुए सुना था कि दो मुसलमानों में जब इख्तलाफ हुआ तीन दिन के अंदर जो पहले बोलेगा वो पहले जन्नत में जाएगा, और आप मुझसे बड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं पहले बोलकर मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊं, आप बड़े हैं इसलिए आप पहले बोलिए ताकि आप पहले चले जन्नत में। अरे प्यारे बोलो, ये हसनैनी हम हैं और ये किरदार को दूसरा अदा करेगा, तो हसनैनी हम हैं, ये हसनैन करीमैन का ये किरदार भी हम ही अदा करेंगे, एक मोमिन दूसरे मोमिन से इमाम आली मकाम हसनैन करीमैन के नाम पर सारे अख्लाफात निकाल के गले से गले मिलने की आदत डाल लो, फिर देखो या हुसैन कितने में कितना मजा आएगा, फिर देखो या हसन या हुसैन के नारे में क्या कैफियत पैदा होगा। मैंने कहा था नारा ये चल रहा है खुदा जाने किसने दिया है, मन तुम तो मौला, ये नबी ने फरमाया मैं जिसका मौला, मन तुम तो मौला, तो आपको नारा लगाना ये चाहिए नबी नबी नबी, ये तो नबी कह रहे हैं नबी मौला नबी नबी का नारा लगाना, अली मौला आपको ये अली अली, अब ये नारा समझ आता है मन खुद तो मौला अली अली अली, ये तो नबी फरमा रहे हैं मैं जिसका मौला, आप करो नहीं अली अली अली, सही क्या है मन खुद तो मौला, आप कहिए नबी 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 अली मौला अली 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 अली, अब नबी के फरमान की आप सही सही तो आई कर दिया किसी तरह से, या हुसैन एक हदीस लाओ मेरे सामने जहां हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन का सिर्फ जिक्र है, हजरत इमाम हसन का नहीं, जितनी भी हदीस है ये हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, ये हसन हुसैन जन्नत के फूल हैं, ये हसन हुसैन से जिसने हसद रखा बुग्ज रखा उसने मुझसे रखा, जिसने मुझसे रखा उसने रब से रखा, जहां जहां नबी ने जिक्र किया है वहाँ हसन भी कहा है हुसैन भी कहा है, तो तुम अपने नारों में हसन को क्यों निकालते हो, नबी ने हर जगह साथ रखा तुम निकाल लो नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का तरीका ये रहा है, दोनों के साथ हमारे नारे या हुसैन के नहीं रहे, हमारे नारे रहे या हसन या हुसैन, शिया नहीं लगाता या वो सिर्फ या हुसैन लगा, मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी ही है, चबा के निकाला हमारे मन में धीरे से डाल दिया और हमने ले लिया,
अब नारा लगा के बताना कि हम ही हैं असल मोहब्बत करने वाले अहले बैत से। इसलिए हम नारा लगाते हैं या हसन या हसन, ये असल अहले बैत से मोहब्बत है। एक भाई की मोहब्बत को दूर कर दे सीनों से और दूसरे मोहब्बत की भाई का दावा करे, ऐसी मोहब्बतें मकबूल नहीं है। सब्र की मिल्लत में इत्तेहाद के लिए सब्र की कुव्वत इमाम हसन से मिलो। हुसैन और हसन के किरदार के आबो रंग को तुम अपनी जिंदगी में ले आओगे, इंकलाब लाओगे। इसलिए मैं कहता हूं हसनैनी बनो। हुसैन की जिंदगी के भी आप रंग रंग में उस्ताद, हसन की भी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं को अपनी जिंदगी में लाओ। फिर देखो कैसे लगाओ नारा। अली का जिक्र इबादत है, अली का देखना इबादत है। बिल्कुल नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे मैं यहां भी नहीं था, अब हम देख के नहीं समझ सकते। और हमारे पास एक ही चीज होती है, जिक्र के जरिए अली का, अली के जिक्र के जरिए भी हम इबादत कर सकते। क्या नबी का यही मकसद था? सिर्फ या अली कहने को नबी ने जिक्र कहा था? बाफैज बाबरकत है, मुश्किलों को टालता है, लेकिन नबी ने जो फरमाया था अली का जिक्र इबादत है, उसका क्या मतलब? जब भी तुम अली के जिंदगी के हालात का जिक्र करोगे वो तुम्हारे लिए इबादत है। अली के अकवाल को पेश करोगे तुम्हारे लिए इबादत है। अली की जिंदगी के हालात को लोगों के सामने, अली की तालीमात को लोगों के सामने लाओ